तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.5 बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटरल मींस होता है फोर साइडेड फिगर, है ना। चलो मैंने एक ऐसा बना दिया, चाहे कुछ भी बना ले, चलो एक बनाया क्वाड्रिलेटरल मैंने, ठीक है, जिसका नाम कह रहा है ये PQRS रखो, रख देंगे। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल ड्रॉ करो, तो दीज आर डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स, जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेम देम, उनका नाम दो। तो मान लिया मैं पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल का ही नाम देते हैं ए, सॉरी PQRS कह रहा, नहीं पी क्यू आर और यहां पर ये एस, PQRS नाम हो गए इसके। तो क्वाड्रिलेटरल कौन था, PQRS, डायगोनल्स के नाम क्या हो गए अपने PR एंड PQ। डायगोनल्स कौन बने, PR एंड PQ, ये दोनों डायगोनल्स बन गए। इज द मीट पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कि जहां डायगोनल्स के ये पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स कहां मिल रहे हैं, ये यहां मिल रहे हैं, देखो ये पॉइंट क्या है, क्या ये इसका इंटीरियर पार्ट है या फिर एक्सटीरियर पार्ट है। नो डाउट इंटीरियर पार्ट है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर की ओर मिल रहे हैं। ये कहां मिल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर की ओर मिल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया, PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस होता है फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड फिगर होता है, ठीक है। तो हमने फोर साइडेड, जैसा मेरे पास फिगर था उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ कर दिया। आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, ठीक है। फिर इसके डायगोनल्स को ज्वाइन किया, डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट्स, है ना, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन था, PR एंड SQ, PR एंड SQ आर अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करते ही कह रहा है जहां ये मीट करेंगे, आपस में मिलेंगे, वो मिलने वाला पॉइंट इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा, तो नो डाउट ये इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। मान लीजिए जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है उसी को हम कह देते हैं KLMN है वो अपने पास, ठीक है। तो पहले इसी को नाम कर देते हैं इसका, इसके लिए लिखा मैंने के, यहां लिखा LM और यहां आया अपने पास N, नाम हो गया इसका KLMN, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। स्टेट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के टू पेयर चाहिए हमें, है ना। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी, देखो KL और MN, वन पेयर हो गया अपना KL एंड MN। लिखना स्टार्ट करते हैं यहां पर KL एंड MN, अपोजिट पेयर फर्स्ट बना। सेकंड कौन बना, KN एंड LM, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, यानी आंसर नंबर ए।
ठीक है, आंसर में भी देखते हैं क्या कहता है ये। टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल, एंगल कौन कौन से है देखो, अपोजिट में एन और एल अपोजिट में जाएंगे और के और एम जाएंगे, तो मैं लिखता हूं के एंड एम, के और एम का पेयर बनता है, और सेकेंडली बन रहा है अपने पास में एन और एल का, एन एंड एल, ये बन गए इसके पेयर्स अपोजिट एंगल्स के। नेक्स्ट बात करता है अपने से ये सी पार्ट में, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, ऐसी साइड्स जिनका एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो, यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाली टू लाइंस। जैसे मान लिया मैं अगर के की बात करूं तो पॉइंट के से निकल रहा है तो के एन और सेकंड निकल रही है के एल, ठीक है। अगर मैं एन से बात करूं तो एन के भी जा रही है और एन एम भी जा रही है, तो मान लिया पहले मैं एन के एंड एन एम लिख दिया फर्स्ट पेयर, अपने को टू पेयर्स पूछे थे इसने, फर्स्ट पेयर लिख दिया एन से मैंने, सेकंड में अगर एल से लिखूं तो एल एम एंड एल के, एल एम और एल के बन जाता है, टू पेयर ही पूछे थे, अदर पेयर की बात करता तो हम लोग और भी लिख देते इसमें, ठीक है। फर्स्ट लास्ट पूछता है पार्ट डी इसका, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे जो एक ही लाइन के यानी एक ही लाइन सेगमेंट के दोनों किनारों पे होंगे। जैसे मान लिया एक लाइन सेगमेंट कौन था अपने पास, के एन था, तो के एन के दो एंड पॉइंट कौन थे, वर्टेक्सेस के एंड एन, के एंड एन। तो मैं अगर के एन की बात करूं तो पॉइंट बनेगा के एंड एन, ये हो सकते हैं। अगर मैं पॉइंट बात करूं एल एम साइड की तो एल एम के लिए एंगल बन सकता है एल एंड एम, ठीक है। मतलब जिस साइड की बात करेंगे, जिस सेगमेंट की बात करेंगे, उस दोनों सेगमेंट के दोनों वर्टेक्स टू एंगल्स बनाएंगे अपने, ठीक है। अगर मैं एन एम की बात करता एन और एम की, तो मेरे पास एंगल बनता एन एंड एम, ठीक है। अगर मैं बात करता के एल की, हो चुकी है क्या, नहीं हुई, के एल की बात करता तो एक एंगल बनता के और सेकंड बनता मेरा एल एंगल। तो मैंने फोर पेयर्स सारे के सारे लिख दिए, जबकि इसने हमसे सिर्फ और सिर्फ टू पेयर्स पूछे थे। ये रहे आपके सारे आंसर्स, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमसे टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड देख, ये साइड और ये साइड अपोजिट थी, ठीक है, ये साइड और ये साइड, यानी के एल एन एम के अपोजिट था, एन के एल एम के अपोजिट था, लिख दिया हमने। सेकंड अपोजिट एंगल्स पूछे थे तो अपोजिट एन एल, अपोजिट वर्टेक्स देख लिया हमने इसकी, ठीक है। एडजेसेंट पेयर पूछे तो एडजेसेंट पेयर कौन थे, ऐसा पेयर इसका एक वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या थी, जिसमें लाइन सेगमेंट एक ही रहता है, एंगल्स उसके दोनों अपोजिट कॉर्नर पर मिल जाते हैं।